आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिलाधिकारी के द्वारा करवाए गए जांच में राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता पाई गई फर्जी। कूटरचित तरीके से दस्तावेज तैयार कर छात्र छात्राओं का ले रहा था एडमिशन। संचालकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाकर कॉलेज को किया गया सील। संचालक है फरार। जनपद पुलिस ने भाजपा विधायक व सांसद को गाली देने के वायरल वीडियो का लिया संज्ञान। गंभीर धाराओं में नामजद मुकदमा किया दर्ज कर रही है विधिक कार्रवाई। एसपी साउथ ने दी जानकारी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों का किया गया निस्तारण। जिला जज ने कहा, विभिन्न मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया निस्तारण। ऑपरेशन 151 के तहत जनपद पुलिस ने 197 अभियुक्तों का किया चालान। की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत पारिवारिक न्यायालय में कई सालों से नाना के पास रह रही बच्ची को आपसी सुलह समझौते के आधार पर पिता को किया गया सुपुर्द। पिता ने न्यायालय को दिया धन्यवाद। एक किलो 700 ग्राम अवैध स्मैक के साथ कैंट पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। भारत स्काउट और गाइड के तत्वावधान में दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में चल रहे बीएड प्रशिक्षकों के चल रहे 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। कॉलेज के प्राचार्य ने प्रशिक्षुओं को तिलक व मिष्ठान खिलाकर स्काउट बिरादरी में करवाया शामिल। गोरखपुर में शनिवार को पाए गए 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 228। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत पारिवारिक न्यायालय में 7 जोड़ों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर भेजा गया घर। मुख्य पारिवारिक न्यायाधीश ने कहा, राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से टूटे परिवारों को मिलाने का किया जा रहा है काम।